लगातार टॉटन से मैं राजलक्ष्मी यहाँ मौजूद हूँ फिलहाल रेस्टोरेंट्स और कैफे के दौरे पर। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में लगातार कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, परंतु झारखंड सरकार ने अभी तक अनलॉक 6 की ओर कोई इशारा नहीं किया है। अनलॉक 5 30 जून को किया गया था आखिरी बार, इसके बाद ना तो उस पर कोई भी मीटिंग चली है और ना ही अनलॉक 6 की ओर किसी भी तरह की कोई घोषणा की गई है। ऐसे में 8 से 10 का जो पीक टाइम होता है रेस्टोरेंट्स का वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और सारे रेस्टोरेंट संचालक यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्टोरेंट को पूरे समय के लिए खोला जाए ताकि जितने भी लोग हैं वो आकर यहाँ पर आराम से बैठ सके और खा सके। तो हम चलिए जानते हैं सभी रेस्टोरेंट संचालक कैफे संचालक और ठेले खोमचे के संचालकों से कि किस तरह से उनका रोज़गार लॉकडाउन के बाद एक बार खुलने से फिर से प्रभावित हो रहा है। कहना चाहिए ताकि हम लोगों का अभी कोविड का केसेस बहुत कम हो गया, बहुत ना के बराबर है और हम लोग का बिजनेस का भी इफेक्ट पड़ रहा है। 50% कैपेसिटी हमको बैठाना पड़ रहा है, ऊपर से 8 बजे बंद कर देना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग का स्टाफ पेमेंट है, दुकान का रेंट है, वो सब हम लोग को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत है। और सर ये 8 बजे मतलब माना जाता है कि रेस्टोरेंट वगैरह का पीक टाइम होता है? हाँ, 8 बजे से 10 बजे तक पीक टाइम। क्राउड जो होता है वो इवनिंग आते हैं, आफ्टर जॉब थोड़ा रिलैक्स कर लें तो वो टाइमिंग होता है 4-5 o'clock के बाद से लेकर 9-10 o'clock तक। ओके, स्पेशली वीकेंड्स में, तो वीकेंड्स तो क्या होता है लॉकडाउन हो जाता है, तो देट इज़ नो प्रॉब्लम। बट जो नॉर्मल रेगुलर डे है इफ इट इज़ एक्सटेंडेड 9-10 o'clock तक, तो उससे हमें यहाँ बिजनेस जो है इट विल बी बहुत हेल्पफुल। और द सेकेंड थिंग इज द मेन क्राउड जो कैफे और ये आते हैं वो है स्टूडेंट्स, जिसके कारण डे में या आपके नॉर्मल टाइम में पूरी सिटी में आप कहीं भी जाएंगे, किसी सिटी में भी जाएंगे तो मेजर क्रीम होता है। ओके, जिसके कारण आपके कैफेज हो, मॉल्स हो, शॉपिंग में वो स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि उन्हीं को चाम होता है कि हम ये खाएं वो खाएं, तो मेनली वो ही बंद है। एंड दूसरा है कि हम घर में बैठ के फीस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अगर ये ओपन हो 50% ही आप स्टार्ट करिए पहले, लाइक 3 डेज आधे स्टूडेंट। ओके, देन वो हमें भी हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे और उनके पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे, बिकॉज सब तो फी पे कर रहे हैं बट क्लासेज आर ऑल ऑनलाइन। लोग कुछ चाहते हैं कि 10 मिनट तक खुला रहे, क्योंकि कस्टमर का आना जाना 7 से लेकर 10 बजे तक ही रहता है और हम लोग अभी टाइमिंग अभी 7 से 8 बजे तक बंद करने का है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और कस्टमर उसी के दौरान उस बीच में ही आते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए टाइम, क्योंकि 8 बजे तक अगर लास्ट है तो सभी कोई 7 बजे आते हैं, तो हमारे पास उतना इससे सोचा नहीं कि हम सबको हम कवर कर लें उस टाइम पे। तो हमारे पास मार्केट रोड का वो 6:30-7 बजे के बाद से ही उठते हैं, तो अब तो हमारे पास टाइम रहा नहीं। 7:30 बजे से फोर्स आना चालू हो जाती है कि बंद करवाइए, तो उस कारण आपका कस्टमर भी डर रहे हैं। तो काफ़ी इफेक्ट है, लोग के पास पैसे नहीं है, खाली ये झड़कन ही में है। आज दूसरा स्टेट जाइए जैसे दिल्ली हुए और वेस्ट बंगाल हुए, ये लॉकडाउन को नहीं मांग रहे क्योंकि पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है और खाली ये झड़कन ही में है जो 8 बजे बाद से क्लोज हो रहा है और कोई स्टेट में ऐसे नहीं है, और 8 बजे के बाद से जो बंद हो रहा है इसमें बहुत सारे पब्लिक को भी इफेक्ट पड़ रहे, क्योंकि 7:30-7 बजे से अपने पब्लिक अपने घर पर रह रहे हैं डर के वजह से। काम खोती है सरकार का जो अनुमति है 8 बजे तक, तो हम 8 बजे बंद कर देते हैं दुकान। ऐसे आम दिनों में कितना बजे तक भीड़ यहाँ पे लोगों की? 10 बजे तक होती है। 10 बजे तक होती है, 10 बजे तक दुकान चलते रहती है। और पीक टाइम किसे कहेंगे, मतलब 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे तक लोग मतलब ज्यादा 7 से लेकर आपके 9 7 से 9, तो ये जो मेन टाइम है वहाँ पे आपका पैकअप का टाइम रहता है कि आप ठेला वेला बंद करो अब चलना है, तो कितना कुछ नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? नुकसान तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। ये अभी तो सरकार को समय बढ़ा देना चाहिए था, टाइम बढ़ा देना चाहिए था कम से कम 10 बजे तक, और ऐसे भी जैसे कि मान लीजिए 8 बजे तक बंद कर देगा, 8 बजे के बाद थोड़ी ना कोरोना आ रहा है, 8 बजे आ रहा है चलो बंद करके घर में सब लोग, बढ़ा देना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।